एक छोटी सी बच्ची जो कि मासूम थी, उन्हें आते एक बहुत गलत हरकत कर दी एक अध्यापक और मेरे ऊपर दबाव डाला, खूब डाला, इतने पैसे दे दूंगा तेरे को, नहीं इतना लाख दे दूंगा। लड़की लेट होगी, लड़के मन मार सब पकड़ लेने के स्कूल में के अड्डे में रोड देने के नहीं उठा थोड़ी पर, तो भाई लड़की मार सब स्कूल बैठ पड़ा है। वो मर गई पुलिस, दो ढाई साल क्यों नीम के मना करे स्कूल में आने को, नहीं के जन क्यों कोई स्कूल स्कूल मना करे स्कूल में, इनको फांसी होनी चाहिए सर। ये घटना है जो कि 2021 में 8 मार्च ने घटी थी। एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक द्वारा एक छोटी सी बच्ची जो कि मासूम थी, जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी ना समझ थी, उन्हें आते एक बहुत गलत हरकत कर दी एक अध्यापक। वो अध्यापक जिन्हें आपा अपने गुरु मान्या करा, वो अध्यापक जिन्हें बताए रास्ता पर चलकर आपा आगे बढ़िया करा, जिन्हें हर एक बात आपा मान कर वो सोचा करा कि नहीं गुरु तो भगवान समान होया करे। पीड़ित परिवार आज भी वही सोच रहे हैं कि आरोपी ने सख्त सजा मिल जाए, जिनमें से एक आरोपी तो हाल तक फरार ही है और एक आरोपी जिन्हें गिरफ्तार करे तो विनय भी अब रिहा कर दिया गया है। फिलहाल उना पिताजी हमारे साथ में है, वह बात करूंगा। हाँ सर, मैंने पीएस शेरगढ़ मुकदमा किया था, उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं, एक आरोपी तो गिरफ्तार हुए भी नहीं, एक को किया था ना उसने भी छोड़ दिया कोर्ट ने, और मेरे ऊपर दबाव डाला, खूब डाला, इतने पैसे दे दूंगा तेरे को, नहीं इतना लाख दे दूंगा, राजीपा कर दे, ऐसे कर दे, मैं क्या नहीं करना है। दरिंदों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को कोर्ट में मैं जाके आ गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई वकील आ रहा नहीं, मैं गया जज के पास गया कि तुम्हारा वकील को बोला के लगा, वकील आया नहीं, मेरे को पैसे मांग रहे अभी तक 55,000 बोल रहे ये परिवार वाले, 50 हमने लगे केस में लगा दिए, वो उधर लगा दिए, मैं कहाँ से लाऊं पैसे, मेरे पास है नहीं, 20-30,000 मैंने दे दिए, कहाँ से लाऊं मैं, मेरे घर चलाऊं, मेरे पास परसों आकाशी बिजली गिरी, मेरे पास बकरियां मर गई सर, आपदा आ गई ऊपर से। फिलहाल पीड़ित बच्ची जी माता जी मेरे साथ में, यहाँ जानकारी लूला में, 2021 की बात है, 21, 22, 23, 24 आए गए हैं। आप कौन सी, आप जगह जगह आप गया हो, अपनी मांग रखी हो कि जो आरोपी उन्हें सजा मिले। सर मैं गया हूँ जोधपुर, गया हूँ एक तहसील शेरगढ़ गया हूँ, लड़की लेन वाले सर रात टाइम गया हूँ। कई तो पूरे मामले बता सको आप। लड़की लेट होगी, लड़के मन मार सब पकड़ लेने के स्कूल में के अड्डे में रोड देने के ताले में के, क्योंकि धार गिर जाए माता पिता के मती के सकू बताया मन के डर गई जनो पास लड़की आन के भाई उन स्कूल तो समझ नहीं के मन मेद नहीं हुए तो बिजी स्कूल मिल दे दिन थार घर काम कर देंगे फिर मोहन स्कूल में काट दी नहीं लड़की ने दो महीने दो तीन महीने लेट होगी बस पूछियो जन के मन मार सब स्कूल में पकड़ देने के तो मैं कहीं कर सकू आंध रात्रि टाइम तकलीफ हुई बड़े सर गया हूँ बड़े सर के जलो को इनके जोधपुर जाओ पर आके पर रात्रि टाइम लड़की ब्यास होगी जन मैं 7,000 रुपया लिया है मैं आता जोड़ी करी भाई लड़की ने चेक करो थे लड़की हाल निकल जाए जब लड़की ने चेक करिए ऐसा मैं बड़े सर के जोधपुर गया हूँ तीन दिन लड़की ने भर्ती रखी हो तो मैं परेशान हो मैं नहीं उठा थोड़ी पर तो भाई लड़की ने मार साहब स्कूल बैठ पड़ा है वो थोड़े भरोसे कर सको मन कोई चिंता नहीं है मन चिंता हुई इतनी चिंता नहीं बीजे ने भरोसे करी टावर मैं तो ही हो रहा राखिया करिया करे तो मतलब आप बच्ची के अलावा और भी अड़ी बच्चे हैं जिन्हें साथ कोई मार साहब इंतर वारदात करी हो जैसी हरकता करी हो दो मार सब बताया एक लड़की ने हुज्जा राम इन्हें पकड़ी सही राम बिजन पकड़ता बाऊ हाथे जाओ तो कोरोना चल तो लॉकडाउन तो मार सब और छुट्टी पड़ गई बिजो तट हो रहा कौन जान दो मार सब ने तो की करी ये पर लॉकडाउन छुट्टी होते जर कोरोना कर पुलिस के गेरी इन बारे में पुलिस कह रही फरार है एक आरोपी फरार है लेकिन एक ने जिन्हें पकड़े तो वो मर गई पुलिस 40 लाख रुपए खाए एक लड़की के साथ तो गिरफ्तार के नहीं ये स्कूल सब छूट गए उस टाइम 4-5 साल खराब हो गया मैं बिना स्कूल खराब हो गए बाउन पास दो बार लेट मेली मेली को स्कूल के जाणो कोई नहीं मना करे के स्कूल में आणो कोई नहीं के दो बार मेली को दो बार लेट स्कूल के पास लड़को जावे आप स्कूल हमें लड़के पास स्कूल गाती पहुंच भी पड़े लड़को हमें लड़को दो ढाई साल क्यों नहीं के मना करे स्कूल में आणो कोई नहीं के जन क्यों कोई स्कूल कौन मना करे स्कूल में कोई मार सब करी मना था नहीं सरकारी नौकरी गई छूट गया राजीनामा कर दिया मैंने कह नहीं बच्चे का बाप मैं हूँ
मैंने राज्यसभा गए नहीं गए मेरे को तभी मैं गया था आज ऑनलाइन कोर्ट में। मैंने राज्यसभा गए नहीं, वो मैं तो केस करने वाला मैं हूँ ना, बच्ची का पिता। मैंने तो किया नहीं राज्यसभा, राज्यसभा हो गया। कौन बोले आपने राजीनामा हो गया? ढोनी वाला गया, सब छूट गए। मैंने पैसे लिए नहीं, मेरे पे बहुत दबाव डाला था, कोई के 25 लाख ले ले, कोई के 15 लाख ले ले, मैं नहीं ले। कौन दबाव डाले? मार सब और मैं थमी आया के तो ने 30 लाख रिफ्यू दो ते रजी पुकर दो के हम ही आया जो के भाई रजी पुकर 30 लाख पास नहीं है, 30 लाख रिफ्यू ले लो ते मारो रजी पुकर दो कोर्ट जाए जो बती के और मैं रजी पुकर ना सौ नहीं मत सजा दो लड़की ने जिंदगी सजा मिली तो सजा वो नहीं दिया करे इनको फांसी होनी चाहिए सर उन्हें छोड़ना इस दिशा होना सौ। आप इन मामले में कोई नेता से बातचीत हुई है? कोई आपरे बीच में आयो, कोई आपरे मदद करने आयो, कोई अड़ो? भारत मदर कोई नहीं आया था, कितनी घोषणाओं की नहीं उठी, देवड़ माते पैसे लागी मैं देऊंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो अभी कितना 50,000 मैं लगा दिया, 300 रुपए 400 रुपए बसते डेली के, वो भी सुबह जाता हूँ तो इन बसता नहीं। मैं तो कहा भाई सजा देनी सब लड़की ने जिंदगी सजा मिल गई, पढ़ाई खराब होगी करो कहीं नहीं, पढ़ाओ तो सर आप स्कूल में डलाओ और इन काबिल बनाओ कि वह ये जो करवन वाला है इन तरह लोग आगे दोबारा कभी ऐसा काम नहीं कर सके। बहुत ही विचित्र बात है कि बच्ची के साथ में स्कूल में ऐसी हरकत हुई है, उन्हें बावजूद आरोपी फरार है। तो जो भी सरकार है, जो भी प्रशासन है, सख्त कार्रवाई लें ऊपर, और जो भी इन वीडियो देख रहा है वह भी कमेंट करके बताओ और आगे से आगे इन वीडियो ने फैलाओ ताकि जो कि जागरूक नागरिक है, जो कि ऐसा लोग है जो इन तरह लोगों की मदद कर सके, वे आगे बढ़ चढ़ के आ रहे। बच्ची से मिली हूँ बार, बहुत सदमा में, बच्ची हाल तक सदमा में है, कुछ भी बात नहीं कर पाई है। फिलहाल के लिए इन तरह तो दरिंदा है, यानों पर सख्त कार्रवाई हो और बच्ची बेटी बहन माँ जो व्यक्ति यानो सम्मान नहीं कर सके, यानो आदर नहीं कर सके, उस जीवन में कुछ भी नहीं कर सके, चाहे वो भले ही बहुत धनवान बन जाए, चाहे वो बहुत बड़ो व्यापारी बन जाए, हर एक सुविधा हो, लेकिन जब तक महिला की रेस्पेक्ट नहीं करेला तो वो व्यक्ति मर्द नहीं है। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने आप शेयर करो और कॉमेंट भी करो कि कई कार्रवाई होनी चाहिए इन ऊपर। धन्यवाद।